हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण जैन और मैं हूँ करियर ग्रोथ से। और आज मैं आपसे बात करूँगा MBBS इन जॉर्जिया में जो IELTS कंपलसरी हो गया है, IELTS और TOEFL, उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, जॉर्जिया में डिपोटेशंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लास्ट कुछ मंथ्स में, और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एम्बेसी ने अभी रिसेंटली ये अपडेट आया है कि IELTS और TOEFL को कंपलसरी कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि IELTS ये कंपलसरी क्यों हुआ है। जैसे कि मैं आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा भी होगा कि बच्चे स्टूडेंट्स जॉर्जिया के एम्बेसी में इशू था कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जा रहे थे उनका लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, बट जब वो वहाँ पर इमिग्रेशन इंटरव्यूज में जा रहे थे तो उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट इसके अलावा और भी कुछ रीजंस थे, जैसे उनको अपना क्या कोर्स पढ़ने आ रहे हैं, उसका क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, कहाँ रहेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स की फुल फॉर्म क्या है, ऐसी सी चीज़ें उनको नहीं पता थी। बट मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न यही था कि बच्चों की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और इमिग्रेशन इंटरव्यूज में उनको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी बच्चों की। इसी की रीज़न की वजह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया आके अपना एग्ज़ाम भी लिया था इंग्लिश का, बट नाउ उन्होंने IELTS और TOEFL को मैंडेटरी कर दिया है इमिग्रेशन के परस्पेक्टिव से या वीसा के परस्पेक्टिव से। तो अब जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा जॉर्जिया में, उसको IELTS और TOEFL में उसको देना पड़ेगा। बट दोस्तों, मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगा इस बात पर कि वॉट इज़ IELTS एंड वॉट इज़ TOEFL। तो IELTS जो है ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, TOEFL जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। ये दोनों ही एग्जाम्स हैं अपने अपने लेवल पे जो कि टेस्ट करते हैं हमारी इंग्लिश स्किल्स। वैन ऐसे इंग्लिश स्किल्स हमें चार पैरामीटर्स पे टेस्ट होती है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। हम इंग्लिश को रीड कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं और समझ कितनी अच्छी तरीके से पा रहे हैं, राइट कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, लिसन उसको सुन के समझ कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, और स्पीकिंग बोल कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। और इन दोनों ही टेस्ट में, जैसे IELTS है वो 9 बैंड्स का होता है, और 9 बैंड्स में से फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, जैसे कि आप MBBS में जाते हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 5.5 विद नो बैंड लेस देन 5, दैट मीन्स कि 5.5 ओवरऑल, और किसी में भी 5 से 9 में से हर सब्जेक्ट आपका, या रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग जो है वो 9 मार्क्स में से टेस्ट होगा, और उसमें से 5 नंबर से कम नहीं आना चाहिए किसी में भी, और ओवरऑल 5.5 से ज़्यादा आना चाहिए। इसी तरीके से TOEFL जो होता है वो 120 मार्क्स में से होता है, और उसमें इंडिविजुअली हर किसी में 90 से अबव आना चाहिए हमारा, और ओवरऑल 92 से ज़्यादा आना चाहिए। हालांकि जॉर्जियन एम्बेसी ने अभी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई नहीं है, बट अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हर कंट्री में यही रहता है 5.5 विद नो बैंड लेस देन 5, और TOEFL अगर देता है स्टूडेंट तो 90 में से इंडिविजुअली सबके ज़्यादा आना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, कोई हवा नहीं है इस टेस्ट को, अगर आपको देना है तो थोड़े दिन पहले, 1 या 2 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा, डेट्स लेनी पड़ती हैं, और जैसे ही आप अप्लाई करते हो विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है, और वही स्कोर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ दे सकते हो और आपका वीसा लग जाएगा। यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट IELTS भी, वाइल वीसा आपको IELTS देना पड़ेगा। तो वीसा में जो 1.5-2 महीने का, आजकल तो खैर ज़्यादा 5-6 महीने का गैप चल रहा था वीसा में, तो उस दौरान आप अपना IELTS दे सकते हो और IELTS के लिए अपीयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी अगर आपको IELTS में इतनी प्रॉब्लम है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे किर्गिस्तान अवेलेबल है, चाइना अवेलेबल है, आर्मेनिया अवेलेबल है, यूक्रेन अवेलेबल है। बहुत यूनिवर्सिटी, आई थिंक MBBS में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है अब्रॉड की, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि IELTS मैंडेटरी या TOEFL मैंडेटरी कर रहा है। तो डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई हवा नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि CBSE में जिस स्टूडेंट के 60% से ज़्यादा आते हैं IELTS में, इंग्लिश में, उसका IELTS आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्लैरिफिकेशन हो, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस चीज़ को लेके, IELTS को लेके काफ़ी लोग डरे होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।